उज्जैन में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऑपरेशन क्लीन आरंभ किया गया। पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल के निर्देशन में जिले में अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन क्लीन के तहत कार्रवाई जारी है। अभियान के तहत शराब का अवैध रूप से क्रय विक्रय, परिवहन और जुआ सट्टा चलाने वालों, गुंडा बदमाशों आदि पर कार्रवाई जारी है। साथ ही अवैध गतिविधियां संचालित करने और क्षेत्र में अस्थिरता फैलाने वालों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी जारी है। पुलिस ने अब तक 35 प्रकरण दर्ज कर 57 आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। को लेकर उज्जैन जो तहसीलों के थाने हैं और अन्य थानों को लेकर किस प्रकार से निर्देश दिए गए हैं और किस प्रकार से क्या है? 31 दिसंबर की रात्रि में जिस तरह की लोग त्यौहार के रूप में मनाते हैं, वर्तमान में कोरोना और COVID-19 की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए किसी तरह के कोई आयोजन नहीं हो सकेंगे। सार्वजनिक आयोजन पूरी तरह से बंद है। लोग अपने अपने घरों में रह करके नववर्ष मनाएं और किसी तरह की कोई कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन ना करें। इस संबंध में पर्याप्त पुलिस व्यवस्था भी लगाई गई है और पेट्रोलिंग मोबाइल लगा करके भी व्यवस्था की जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।